नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही चर्चित कलाकार हैं, गिरीश थापर, जो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, और बहुत सारे टीवी धारावाहिकों में आप उनको अलग-अलग भूमिकाओं में देख चुके हैं। बहुत सारे कलाकारों के साथ वो स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, छोटा पर्दा भी और बड़ा पर्दा भी। मूलतः मेरठ के निवासी हैं और अब करीब करीब उनकी जो ये यात्रा है अभिनय की, ये 3.5 दशक को पार कर रही है। 1987 में थिएटर से एक कलाकार के तौर पर उनकी यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद किस्मत आजमाने के लिए मुंबई गए। एक दौर ऐसा भी आया जब बाकी कलाकारों की तरह थोड़ा निराश हो गए, हताश हो गए, 2012 में वापस मेरठ लौट गए। लेकिन डेस्टिनी कुछ और थी। माया नगरी ने फिर उनको आवाज दी, सिर माथे पर लिया, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा है। बहुत सारे विज्ञापन सीरीज में, बहुत सारे सीरियल्स में वो काम कर चुके हैं। करीब करीब इन 8 सालों में, 2012 से लेकर के 2020 में, 300 से ज्यादा शो में वो रोल कर चुके हैं, 25 फिल्मों में और 35 के करीब विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं। और जिन सीरियल्स में वो नजर आए हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं: चिड़ियाघर, लापता गंज, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कृष्णा चली लंदन, बेपनाह, लाल इश्क, देवों के देव महादेव, तेनाली राम। और जिन फिल्मों में गिरीश थापर आपको दिखाई दिए हैं, जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, अलग अलग जाने माने कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की है, उनमें सुपर नानी, शमिताब, पोस्टर बॉय, एक पहेली लीला, रेस्क्यू, रेस 3, हाउसफुल 4, और जो आने वाली फिल्में हैं उनकी, उनमें शकुंतला देवी, बंटी और बबली 2, शमशेरा, शेम, और जो चर्चित विज्ञापन उनके रहे हैं उनमें यूनियन बैंक का है, इंडिया गेट बासमती राइस है, जेके सुपर सीमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, बहुत उदार हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मेरे बहुत पुराने जानकार हैं, तब के हैं जब मेरी भी पत्रकारिता की शुरुआत हो रही थी और वो भी अभिनय का क ख ग सीख रहे थे। गिरीश जी, बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वो भी YouTube चैनल पर। तो मेरे इस चैनल पर और इस मेरे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। और ये जो कुछ भी है इसका श्रेय काफी हद तक आपको ही जाता है। आपने हमारे बारे में जब उस दौरान लिखा, जब हम कुछ भी नहीं थे, तो वो एक हमारे लिए प्रेरणा हुई, हमारे लिए एक उत्प्रेरक का काम किया, तो उसी वजह से हम लोग मुंबई पहुंच पाए। ये आपका बड़प्पन है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल चूंकि कोरोना वायरस का संकट चल रहा है और पिछले करीब करीब 3-4 महीने से तमाम शूटिंग वगैरह भी स्थगित है, स्टूडियोज पर भी ताले लगे हुए हैं, टीवी पर भी कोई नया प्रोग्राम नहीं आ रहा है जिसकी ताजा शूट हुई हो, और फिल्मों की शूटिंग भी ऑलमोस्ट बंद है, तो कैसी गुजर रही है? सर, इन 4 महीनों के अंदर हम जैसे कलाकारों की स्थिति तो बहुत खराब हुई है। और इन 4 महीनों में, हाँ ठीक है, जब एक समस्या हमारे देश पर, पूरे विश्व में आई है, तो हमको डटकर मुकाबला करना है। और इन 4 महीनों में ने अपना समय जो व्यतीत किया, पुराने सीरियल्स देखकर किया, अपने आप को मांझा अपने कलाकारी में, और उसके अलावा रामायण महाभारत देखी, और खाना बनाने का शौक रखा तो खाना बनाकर,
और लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया है कि चार महीने के बाद लगता है कि जल्दी से जल्दी ये शुरू और हम लोग कैमरा देखें और जाकर अपने काम पर लगें, बस अब बहुत ज्यादा हो गया है सर। लेकिन इसने एक अपॉर्चुनिटी तो दी है कि जो व्यस्तता के समय थे, साल थे, उसमें परिवार को, बच्चों को शायद उतना समय नहीं दे पाए होंगे जितना समय इन 3-4 महीने में दे पाए, उनको ठीक से उनके करीब आए, वो बच्चे आपको एंजॉय कर पाए होंगे। जी बिल्कुल भाई साहब, ये क्या हुआ कि शुरू में जब मैं होली के बाद मुंबई गया 12 मार्च को, तो शूटिंग शुरू हुई मेरी लाल इश्क की, उसी दौरान 15 तारीख में मुझे मालूम चल गया कि 19 तारीख से ये सब शूटिंग वूटिंग 31 तक बंद हो रही है मार्च में। तो मैंने कहा यहाँ 12-15 दिन क्या करना रहकर, मैंने 22 मार्च की मुझे कंफर्म टिकट मिली, मैंने वो टिकट करा ली। लेकिन 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ तो बस फिर मैं वहीं फंस गया 2 महीने। फिर जब नई स्पेशल ट्रेनें चली उसके माध्यम से मैं मेरठ पहुंचा हूं और अब 2 महीने से मैं लगभग मेरठ में ही हूं। हाँ, इन 2 महीने में परिवार के साथ रहना, उनके साथ समय बिताना, ये अपने आप में मिला है इस दौरान, जो कि पहले कभी नहीं मिल पाया इससे पहले। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं, अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ जी? और कब हुआ? सर बचपन से यही शौक था कि कुछ दुनिया से हटकर कुछ कार्य किया जाए जिसमें कि नाम हो, लोग पहचाने। तो अलग अलग फील्ड में जाने का सोचा, लेकिन लगा कि वहाँ उम्मीद कम है। लेकिन उस दौरान मेरे एक दोस्त मित्र जम्मू से आए मेरठ में, वो प्ले करते थे, तो मेरी दोस्ती हुई तो मुझे बोले कि आप भी आया करो यहाँ रिहर्सल में। मैंने कहा नहीं, मेरे को इतना नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ बाकी लोगों को करते हुए देखता था तो मुझे लगता था नहीं यार, इनसे बेहतर तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो उसने करके दिखाओ। जब मैंने करके दिखाया तो उसे बहुत पसंद आया, तो बस एक ये सिलसिला चालू होता चला गया। और फिर पूरे मेरठ का इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और यही कहते ना कि फिर ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म था ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरठ में रहते हुए अलग अलग प्ले किए होंगे, उस समय की कुछ यादें हैं, और फिर मुंबई की तरफ कब आप अग्रसर हुए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। जी, मेरठ में हमने काफी प्ले किए उस दौरान। हमने एक संस्था बनाई नटरंग के नाम से, उस दौरान प्ले किया पोस्टर, चौराहा, कौन नचाए नाच। काफी प्ले करने के बाद हमारे बड़े भाई मित्र राकेश कपूर साहब उस दौरान रामायण की शूटिंग करने मुंबई गए, तो जब वो वापस आए तो मेरे मुंह से वैसे अचानक से निकल गया कि मैंने कहा राकेश भाई साहब का सारी जिंदगी प्ले ही करते रहेंगे, कभी हम अपनी शक्ल टीवी पे नहीं देखेंगे। शायद ईश्वर की कृपा थी, उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी, उन्होंने बोला गिरीश भाई इस साल आपको कहीं ना कहीं टीवी में मैं जरूर दिखाऊंगा। बस फिर क्या था कि वो एक शूटिंग करने गए पटियाला, आसमान की ओर सीरियल था दूरदर्शन का, मुझे भी अपने साथ ले गए और वहां पर मेरा एक ऑडिशन हुआ और उसके बाद सीरियल में काम मिला। 7-8 एपिसोड का सीरियल था, फिर वो एक सिलसिला बनता चला गया। फिर उसके बाद ओम सुहा, राजा रेंचो, योग, काफी सीरियल में काम करने के बाद सोचा कि मुंबई चलते हैं। फिर मुंबई जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद मन नहीं लगा, घर की याद आ, तो दोबारा 90s हम लोग गए वापस, मैं वापस आ गया। क्यों दौरान प्रदीप मेरे साथ मुंबई, मुझे वो लेकर गए थे और मुकुल नाग के घर पर, जो हमारे बड़े भाई साहब जो साईं बाबा का करेक्टर किया जिन्होंने बड़े पॉपुलर हुए हैं, वो उनके घर पर मुझे रोका और बहुत ही इज्जत सम्मान मुंबई के बारे में बताया कि इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ये होता है। तो मैंने उनको सीखा और अपने सब बड़ों से सीखा, लेकिन उस दौरान दिल नहीं लगा तो वापस मुंबई से हम मेरठ वापस आ गए और अपने काम धंधे में लग गए। फिर अचानक से 2012 में फिर क्या होता है कि ये रंगमंच और जनमंच एक ऐसी विधा है जो मुंह से कहते ना काफिर मुंह से लग गई और छूटती नहीं। तो दोबारा से 2012 में फिर मैं 3 मई 2012 को घर वालों को बोला कि भाई ये मई चल रहा है, एक बार मैं फिर मुंबई जाना चाहता हूँ लास्ट।
इन 7 महीने 6 महीने हैं, मैं बीच में कितनी बार भी आऊं अलग बात है, अगर 31 दिसंबर 2012 लास्ट मेरे को कुछ हो गया, काम वाम बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो सारी जिंदगी मैं मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगा, मतलब ऐसी बात मैं बोल के गया। बस फिर मैं गया तो सब लोगों का प्यार आशीर्वाद, ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि मैं सच बोलता हूँ बड़े भाई साहब कि लोग काम के पीछे भागते हैं, ईश्वर की कृपा से काम मेरे पीछे भागता है वहां पर आज। मैं खुद मना करता हूँ कि मुझे नहीं करना है, मतलब ये ईश्वर की कृपा हुई मुझ पर। और उस दौरान से लेके अब 8 सालों के अंदर लगभग बड़े बड़े शोज किए हैं, बड़े बड़े एक्टरों के साथ, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े ब्रांड का मैंने विज्ञापन किए हैं, जिनमें जेके सुपर सीमेंट, जेलुकस ज्वेलरी, इंडिया गेट बासमती राइस, मेड लाइफ दवाइयों का है, और भी बहुत मैंने, और वेब सीरीज बहुत सारी की हैं, बड़ी बड़ी फिल्म की, सभी बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया सर, आप सबकी दुआओं से। अभी तक जितने रोल किए हैं धारावाहिकों में या फिल्मों में जी, सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा है आपको? अभी सर सच बात है जैसे ना कि भूख होती है इंसान की कि और बढ़ती चली जाती है, अभी वो उस मुकाम का उस लेवल का मेरे को नहीं लगता कि मैंने किया, लेकिन लोग काफी जो पसंद हैं जिनमें उसमें डबल रोल था नागार्जुन कैरेक्टर किया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। एक बेपनाह सीरियल में एक मैंने रहीम चाचा का कैरेक्टर किया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। और कृष्णा चली लंदन में मैं एक मिनिस्टर का कैरेक्टर कर रहा था, रेगुलर किया, काफी लोगों ने वो पसंद किया। और क्राइम पेट्रोल, और मैंने जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म होता है, एक जन्म होता है, मैंने शायद इस फील्ड में आकर कितनी योनियां, मतलब स्वीपर से लेकर सीएम तक के मैंने सभी कैरेक्टर कर लिए है, सीरियल धारावाहिक ये वेब सीरीज मिला के, तो मुझे अलग अलग कैरेक्टर करने में बड़ा लग, और काफी कैरेक्टर मैंने अलग अलग किए हैं, डिफरेंट के मजा आया काम करने। एक अभी मैंने क्राइम पेट्रोल में गे का कैरेक्टर किया था, वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था, अलग तरह का कैरेक्टर गे बनना। और अभी जिस तरह का संकट है, इसमें जाहिर है सभी सेक्टरों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जी, कई तरह की कठिनाइयां हैं, तो माया नगरी के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और वापसी करना, फिर से चीजों को पटरी पर लेकर के आना, जो प्रोजेक्ट लटके हुए हैं उनको पूरा करना, उनको थिएटर तक लेकर के जाना, या अभी तो ऑनलाइन भी रिलीज होनी शुरू हुई है, गुलाबो शिताबो अभी रिलीज हुई ही थी, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है अभी जी फिल्म इंडस्ट्री के सामने भी, कलाकारों के सामने भी, टेक्नीशियंस के सामने भी। बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है इस वक्त सभी टेक्नीशियंस की, कलाकारों की, जो वन डे टू डे करेक्टर करते थे, क्योंकि स्थिति ये है कि बड़े कलाकार उसको झेल जाएंगे इस मुसीबत को, और जो दूसरे कलाकार है जो वन डे टू डे करते हैं, करेक्टर आर्टिस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है करेक्टर आर्टिस्ट के लिए कि वो जो आज शूटिंग करता है, जो आज काम करता है, उसकी पेमेंट उसको 90 डेज 90 दिन बाद मिलती है। जी, 3 महीने बाद वो 90 दिन बोलते हैं, लेकिन होने में 3 महीने बोलते हैं, लेकिन 4-5, और आज भी कुछ पेमेंट ऐसी है जो 1-1.5 साल से अटकी हुई है, कोरोना के चक्कर में 4 महीने तो हो गया, अभी कोई पेमेंट नहीं आ रही है, सब बंद पड़ा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और फिर रेगुलर काम ना मिलना, और वहां पर कलाकारों की भीड़ का भी हो जाना बहुत ज्यादा, पहले से ही हुई है लेकिन अभी ज्यादा हुई है। इन 4 महीनों के अंदर बहुत लोगों को भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिन्होंने अपने आप को सेफ नहीं किया था, या जिन्होंने बैकअप नहीं रखा था पीछे 5-6 महीने का, और टेक्नीशियंस की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है वहां पर। यह अलग बात है कि कुछ बड़े कलाकारों ने कुछ मदद की, लेकिन वो मदद भी ऐसी होती है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम है, क्योंकि वहां मुंबई जैसे महानगर में खर्चे भी आम शहरों से 3-4 गुना ज्यादा है, वहाँ रेंट बहुत बुरा ज्यादा मार रहा है, आना जाना बहुत बुरा है, तो स्थितियाँ अभी पटरी, अभी आने में बहुत समय लगेगा जिस स्थिति में वो इंडस्ट्री हमारी चल रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी बड़ी फिल्में अभी अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई हैं, गुलाबो सिताबो, और अभी 31st को भी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, जिसमें मैंने भी एक छोटा सा करेक्टर किया है, फिल्म का नाम है शकुंतला देवी, जो एक बायोपिक है जिसमें विद्या बालन जी ने मेन करेक्टर किया है, उसका प्रोमो भी कल रिलीज हुआ है, वो 31st को वो भी प्राइम अमेजोन पर रिलीज हो रही है, और आज सुबह
आपके फोन के तुरंत थोड़ी देर बाद ही फोन बबली से उसकी डबिंग करनी है, गिरीश जी आ जाओ, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो स्थिति खराब है, कैसे कब रिलीज कर रहे हैं। तो यही बोले यशराज प्रोडक्शन के जो जिन्होंने मुझे फोन किया कि देखिए हम तैयार करके रखते हैं, जैसे स्थिति ठीक होंगी तो रिलीज करेंगे। अब अमेजोन पर कितने लोग देखेंगे, कितने लोगों के पकड़ में वो हमारा प्रोडक्ट आएगा, नहीं मैं नहीं जानता इस चीज़ को। और अभी शूटिंग शुरू भी हुई कुछ, और पता चला कि वहाँ पर मुझे भी बुलाया था शूटिंग के लिए, मैंने नहीं जाना पसंद किया क्योंकि स्थितियाँ ठीक नहीं थी मुंबई की। तो पता चला कि 5 शूटिंग में कोविड लोग निकल आए हैं, तो सबको क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसमें एक सीरियल था मेरे साईं, उसका डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ऊपर एक सीरियल था उसका, उसके बाद कसौटी जिंदगी में जो मेन करेक्टर है वो कोविड निकल आए। तो शूटिंग होना और उसके बाद वहाँ जाके बीमार हो जाना, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है घर से निकलना तो पड़ेगा आने वाले समय में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ठीक होगा। और दोबारा से मुझे भी और सबको कलाकारों की अभी तो भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है कि जीरो से फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, इतनी मेहनत की हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं वहाँ पर जो इस उम्मीद में कि उनको लगातार काम मिल रहा है, लगातार सीरियल्स में वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर है ऐसे कलाकार अपना घर अपना फ्लैट भी कई बार ले लेते हैं किस्तों पर, और बैंकों का डंडा भी फिर उनके सिर पर चल जी, रहा जी, होगा जी, जी। तो कई तरह की मुसीबतों में इस समय फ्रेटर्निटी जो है वो घिरी हुई होगी। बिल्कुल, आपने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ ही था कि अब जैसे मुझे ही आज 5 महीने हो गए, इस मार्च से मैंने कोई काम नहीं किया, मार्च में लास्ट काम किया था मैंने 16 मार्च को, अप्रैल मई जून जुलाई और 5 महीने हो गए, इन 5 महीने में घर बैठे एक रुपए का भी काम नहीं किया, और जो काम किया हुआ था इस साल उसकी कोई पेमेंट नहीं आई है, और पिछले 7 महीने से मेरे रूम का रेंट जा रहा है, रूम का रेंट जो कि मैं छोटा सा, मेरे दो छोटे छोटे रूम है, 20,000 महीने के हिसाब से लगभग 140,000 मैं दे चुका हूँ अब तक, और अभी और उम्मीद भी नहीं कि 2-3 महीने और भी मैं दूँ, और स्थिति ये भी नहीं कि मैं वहाँ खाली करके भी आ जाऊँ क्योंकि जाने की स्थिति नहीं है। तो ये मेरे जैसे हजारों कलाकार हजारों टेक्नीशियंस का यही हाल है कि उनका वहाँ पर खर्चा अपनी जगह खड़ा हुआ है, आमदनी बिल्कुल नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं सर बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि शुरू होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चन फैमिली भी चपेट में आ गई, इसका भी एक बड़ा एक जी सर गलत सा मैसेज चला जाता है लोगों में, एक घबराहट पैदा हो जाती है। जी सर, जब इतने बड़ी सेलिब्रिटीज जो कि एक एक चीज बड़ी नाप तोल कर बड़े तरीके से करते हैं, जब उस परिवार को भी हुआ, अनुपम सर की परिवार को भी हुआ, पीछे किरण कुमार जी को भी हुआ था, काफी लोगों को हुआ और बड़े बड़े स्टार्स को हुआ, तो ये घबराहट पैदा होती है कि हम लोग तो कुछ मुकाबले में भी नहीं है, जब उनकी स्थिति है तो हम लोग कहाँ वहाँ पर सरवाइव करेंगे इस तरह से। सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से गए, जो इस तरह से सुसाइड हुआ, उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी ये फिर से चर्चा गर्म हुई है कि वहाँ नेपोटिज्म भी चलता है, वहाँ उभरती हुई प्रतिभाओं को अलग थलग करने के लिए षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स भी होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है। मैं ज़्यादा सहमत इसलिए नहीं हूँ भाई साहब कि मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, और कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स यही कोशिश करेंगे उनका परिवार के उनके बच्चे या वो आ गए, लेकिन आपने भी देखा है और ये सब देखते हैं कि बिना नेपोटिज्म के भी हजारों लाखों लोग कामयाब हुए हैं, और नेपोटिज्म होने के बावजूद भी बहुत लोग नाकामयाब भी हुए हैं, यहाँ बहुत ऐसे उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। तो ऐसा नहीं है, वहां पर देखिए एक काम के पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं, एक अगर ऑडिशन चल रहा होता है, चाहे वो एड का हो, फिल्म का हो, सीरियल का हो, काम तो 5 से 7 लोगों को मिलेगा, 10 लोगों को मिलेगा, और वहां खड़े हैं 500,000 लोग, तो कि लोग तो यही कहेंगे कि भाई बतिया मेरा तो सर वहां पर कोई ना पूरे खानदान में लेना देना नहीं, इस फील्ड से लेना देना कुछ दूर दूर तक भी नहीं है, ना कोई हमारा गॉडफादर था, हम लोग गए, मेरे को तो ऐसी कोई समस्या से पाला नहीं पड़ा अभी तक, और मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शंस में काम किया, यशराज में भी मैंने 3 फिल्में की हैं, साजी नडियाडवाला के यहाँ भी किया है काम, मैंने सलमान भाई के फिल्म में भी काम किया, उनके प्रोडक्शन में भी काम किया है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो देखिए, अब अगर मैं चाहूंगा कि अगर मेरा बेटा आना चाहेगा फिल्म में, मैं सीखूंगा उसको को करूं थोड़ा सा आगे हाईलाइट करूं, लेकिन उसके अंदर अगर टैलेंट होगा,
तभी वो आगे कामयाब हो सकता है, अन्यथा नहीं। और जहां तक बात है, अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं भी कोशिश करूंगा मेरे परिवार के लोग ही उसमें आ जाएं। और ये कोई गलत भी नहीं है सर, इसमें तो पैसा जो आदमी लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो। ऐसे हजारों कितने स्टार्स के बच्चे हैं जो कामयाब नहीं भी हुए, अपने अपने दूसरे बिजनेस में लग गए। और ऐसे जो है कि जो आम लोग उठ के गए, अब जैसे सुशांत सिंह की बात है, वो आत्महत्या जैसा फैसला उसने क्यों किया भगवान जाने, वो ऐसा कर नहीं सकता। बड़ा मैंने भी उसके साथ काम किया है सर, पवित्र रिश्ता सीरियल में, आज से काफी पहले, साल पहले, लेकिन इस तरह का लगता नहीं। लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको इज्जत मान सम्मान भी दिया, ऐसा भी नहीं, इसी इंडस्ट्री ने दिया। अब ये ऐसी क्या स्थितियां बनी, क्या हालात बने, ये तो वो जानता है या ईश्वर जानता है। लेकिन ऐसा फैसला करना, कई बड़े बड़े स्टार्स के पास सर कई कई सालों तक काम नहीं रहा, लेकिन दोबारा उन्होंने काम किया, दोबारा अपने आपको प्रूव किया। बड़े उदाहरण आपको सर, बच्चन साहब के पास भी एक टाइम में स्थितियां ऐसी, वहां पर सर 70-80 सीरियल बनते हैं जो चैनल पर आते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। और मेन करेक्टर, मेन लीड छोड़ दीजिए, हीरो हीरोइन बाप दादा, उसके बाद जो डेली करेक्टर निकलते हैं, नाई, धोबी, पंडित, डॉक्टर, वकील, ये जो भी करेक्टर निकलते हैं, अगर मैं एक सीरियल के अंदर मानूं 80 सीरियल बनते हैं, मैं कहता हूं 100 भी बनते हैं चलो, तो एक सीरियल के अंदर रोज 500 लोगों की वहां सिर्फ जरूरत है। अगर 5 करेक्टर भी एक सीरियल में निकलते हैं नए, तो वहां तो भीड़ तो 10,000 से ऊपर की है, 10,000 तो सिंटा मेंबर ही है। तो बाकी लोगों को पास काम तो वहां रोज काम ढूंढने के लिए भूसे के ढेर में से सुई ढूंढनी पड़ती है सर। रोज ऑडिशन पे जाना पड़ता है, रोज आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, रोज मीटिंग करनी पड़ती है। मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, ईश्वर की कृपा है, आप वहां जाइए, ऑडिशन दीजिए। और मैंने जितने भी एड या जितनी फिल्में की हैं, कोई मेरा कोई रिश्तेदार तो सर वहां था नहीं, मैंने ऑडिशंस दिए और उनको लगा कि हाँ ये लुक में कामयाब है, चलो ये कर लेगा, तो मुझे काम मिला सर। मैं बिना किसी सोर्स, बिना किसी सिफारिश, बिना किसी नेपोटिज्म के मैंने जितना काम भी किया। आगे के आपके प्रोजेक्ट कौन से हैं जो निकट भविष्य में पूरे होने वाले हैं या आने वाले हैं? सर सबसे पहले तो 3 बड़ी बड़ी फिल्में आनी है, 4, जिसमें एक फिल्म है शेम, मेरा अच्छा करेक्टर है, एक अभी 31 जुलाई को आ रही है शकुंतला देवी, उसमें मेरा अच्छा सीन है। और 2 बड़ी फिल्में जिसमें शमशेरा यशराज जी की, इसमें रणबीर कपूर संजय साथ में हैं, और जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है, फिल्म बंटी और बबली पार्ट 2, उसमें मेरा बहुत अच्छा करेक्टर है, हम 5-6 लोगों का, जो शुरू के 7-8 सीन, जो पहला बंटी और बबली जो जिसको बेवकूफ बनाकर लूटते हैं वो हम ही लोग हैं, फिल्म की ओपनिंग हमसे है, तो वो मुझे उम्मीद है उसके बाद अपना कुछ ठीक। और काफ़ी सीरियल जो मेरे तैयार पड़े हैं जो आने हैं, और काफ़ी वेब सीरीज हैं जो मैं किए हैं और आनी हैं, और कुछ पर बात चल रही है, और ये सब काफ़ी काम आना है, ईश्वरी कृपा सब अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी बात करने के लिए, आपने समय निकाला, बहुत समय बाद आपसे बात भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है। जी जी, अरे सर धन्यवाद तो आपका सर, जो आपने याद रखा और आपकी वजह से आपने उस दौरान हमारे बारे में इतना लिखा, इतना कुछ किया, तो उसकी वजह से हम लोगों को एक सहारा हुआ और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, नमस्कार सर।